नमस्कार दोस्तों, मैंने सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से दिव्यन्दु मंडल बोल रहा हूँ। मैंने आपको स्क्रीनिंग दिखा रहा था बाय सेल सिग्नल कम स्क्रीनर में, तो ये पॉजिटिव चेंज इन प्राइस मैंने पार्ट तक दिखाया था। ये आपको पार्ट इधर भी आपको मैं आप कह सकता है पॉजिटिव चेंज इन प्राइस। ये आपका पॉजिटिव चेंज इन प्राइस आ गया। मेरा सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, स्लो चल रहा है, तो ये आप मैंने थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। ये ऐसे आपको आप वॉल्यूम को भी आप स्क्रीन कर सकता है, इसको आप वॉल्यूम का भी ये स्क्रीन कर सकता है ऐसे ही सबसे। वॉल्यूम को स्क्रीन कर सकता है। ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को कुछ मच कीजिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप ये जो तीन तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया है इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए। ये आप तीन टाइम है तीन ठो कर सकता है। ये देखिए अभी इधर माइनस जो जितना है उसको आपको 0 पॉजिटिव करना है, तो इसमें आपको देखिए 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है, वो आप स्क्रीन कर सकता है। मैंने अभी स्क्रीनिंग नहीं दिखाता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, और इसमें आपको आप डिलीवरी परसेंटेज का बढ़ा है उसको भी देख सकता है, डिलीवरी परसेंटेज कैसे बढ़ा है वो आप स्क्रीन कर सकता है। इस हिसाब से आपको ये सब स्टॉक आ जाएगा। उसको देखिए ये स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग भी है, उसको वो आप कंपेयर कर सकते हैं PBR1 R1 R2 इंटरडे के इंटरडे का टाइम फ्रेम में जो पिवट पॉइंट और R1 के बीच में है। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्विंग ट्रेडिंग के भी लिए वो एक ही चीज़ कॉमन आएगा, इंटरडे और स्विंग ट्रेडिंग दो तीन टाइम फ्रेम में जो कॉमन आएगा उसका स्ट्रेंथ स्ट्रांग जो कॉमन है वो उसका स्ट्रेंथ ये इसको भी आप ट्रू करके आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, तो इसका स्ट्रेंथ आपको स्ट्रांग आएगा, स्ट्रांग दिखाएगा। तो ऐसे हिसाब से आप कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कॉल ले सकता है, और इसका ट्रेंड भी एकदम स्ट्रांग आएगा और बाई सेल लेवल जो आएगा वो एकदम एक्यूरेट आएगा, आप कर सकता है। अच्छा, मैं ऐसे आप स्क्रीन कॉल ले सकता है, इसको आप ऑप्शन ट्रेडिंग में और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी ये लेवल आप यूज़ कर सकता है। ये लेवल ऐसे बना गया है तो ये टारगेट मिलने का चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और स्क्रीनिंग भी बहुत अच्छी तरीक़ा से आप लोग कॉल ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि लेसर टाइम फ्रेम में ये लेवल ज़्यादा दिखाएगा और हायर टाइम फ्रेम में इसका लेवल कम दिखा सकता है बाई सेल लेवल, लेकिन ये मूविंग एवरेज के वजह से हुआ है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज कम हो जा सकता है, तो इसलिए ये होगा। तो मेरा सलाह है कि ये आप हायर टाइम फ्रेम पर कीजिए, और एक इसको ऑप्शन और फ्यूचर में आप यूज़ कर सकता है, ऑप्शन और फ्यूचर में आप यूज़ कीजिए। और इसका जो दो तीन आप जो सोच लीजिए जो डाउन और अप ट्रेंड जो दिखाता है इधर, ये नेक्स्ट डे में आपको नहीं आएगा, तो दो तीन दिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कर सकते हैं। ऑप्शन को पकड़ पे रख सकते हैं, ऑप्शन हो कैश हो फ्यूचर्स हो ये आप कर सकते हैं। और
कमोडिटी में भी ऐसे ऐसे ही आप कर सकते हैं, कमोडिटी में भी ऐसी ऐसी